हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उमंग भाटिया। सो आज हम क्रायलॉन के डर्मा पैलेट के साथ एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। ये जो मेकअप लुक्स हैं, मैंने बहुत सारे मेकअप लुक्स क्रिएट किए हैं इसी पैलेट के साथ, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अब हम सबसे पहले लगाएंगे अपने फेस पे एक सीरम। अगर आप ऑयली स्किन पर्सन है तो आप एक नॉर्मल लाइट सा सीरम लगा सकते हैं, जेल बेस्ड भी लगा सकते हैं। एंड अगर आपका स्किन हल्की सी कॉम्बिनेशन है, कहीं कहीं से ड्राई है, तो आप एक हैवी फेशियल ऑयल भी लगा सकते हैं, ताकि आपका जो बाद में बेस लगाएंगे वो पैची ना लगे। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। एंड अगर आप बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में देख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप ब्लू हेवन हो गया, NY ब्रे हो गया, इन सब प्राइमर्स को एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। सिलिकन बेस्ड प्राइमर्स हैं, ऑयली स्किन वालों के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है। कॉम्बिनेशन वाले भी इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ D65 शेड। ये जो डस्की कॉम्प्लेक्शन वाली जो गर्ल्स हैं, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिनका येलो अंडरटोन है। इसको हम थोड़े थोड़े एरियाज़ में लगाएंगे एंड साथ ही साथ ब्लेंड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे जो हैं एक्टिव एक्ने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कलर करेक्टर वगैरह नहीं लगा रखा है, क्योंकि हल्के से जो एक्टिव एक्ने होते हैं, जो बिल्कुल हील होने की तादाद पे होते हैं, उसके ऊपर आप कोई भी कंसीलर वगैरह लगाते हैं तो ऐसा लगता है दैट इज़ यू नो सॉर्ट ऑफ अ माउंटेन ओवर समथिंग। ठीक है, उल्टा अच्छा लगने के बजाय उल्टा बुरा लगता है। सो इसलिए मैंने कंसीलर वगैरह नहीं लगाए हैं। एक्ने स्कार्स के ऊपर अगर आपको कंसीलर या कलर करेक्टर लगाते हैं, तब बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। नेक्स्ट, अगर आपको कंसीलर नहीं भी लगाना और ऐसा लगे कि हमें जो एक्ने है वो हमारे बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, मींस दो लेयर्स लगा सकते हैं पतली पतली, तो एक अच्छी खासी आपको कवरेज मिल जाएगी। इसकी जो कवरेज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट, आईब्रोज के लिए मैंने यूज़ किया है ADS का आईब्रो पाउडर। एंड इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आई शेडो के लिए एक क्रीमी बेस्ड आई शेडो। ये क्रायलॉन का रेनबो पैलेट है और ये जो आई शेडोज़ हैं बेसिकली ब्राइडल मेकअप के लिए बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्रीमी होते हैं, बहुत ही ग्लॉसी ग्लॉसी सी आईज़ लगती हैं इसको लगा के। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्लॉसी लग रही हैं, क्योंकि ये क्रीमी होते हैं। तो इसको लगाने से पहले हम एक आई शेडो बेस भी लगाते हैं एंड इसको टचअप करने के लिए सेम शेड का आई शेडो हम लगाते हैं, ताकि ये जो थोड़ा सा पॉप आउट होके आए। सो इसको मैं बहुत कम क्वांटिटी में धीरे धीरे करके बिल्डेबल रेशियो में इसको मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, तो हल्का सा भी आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ओवर लगेगा। इसके ऊपर अभी मैं मैट आई शेडो इसलिए नहीं लगा रही हूँ, या कोई भी आई शेडो सेम शेड का इसलिए लगा रही हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम मैं इसके ऊपर एक हल्का सा हाईलाइटर का टच दूंगी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी जो क्रीज आउट होता है ना, वो नहीं होगा। इस टाइप के लुक पे आप एज अ ट्रांजिशन शेड ब्लैक या फिर ब्राउन भी लगा सकते हैं, बहुत ही सही इफेक्ट आता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ जेल लाइनर फ्रॉम ADS प्रो एंड ये बिल्कुल स्मच प्रूफ है, बहुत ही जेट ब्लैक है। इसको भी मैं एक बहुत ही पतले ब्रश की मदद से एक विंग बनाऊंगी, प्रॉपर विंग है ये। सो फॉल्सीज मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर लिए थे एंड कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। नेक्स्ट, अब मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लोअर वाटर लाइन को लाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक मेटालिक लिपस्टिक, जो कि मैं बहुत सारे मेकअप लुक्स में कर चुकी हूँ एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस टेक्निक, बिकॉज हमेशा से ही यू नो काजल वाजल लगाने का कभी मन ना करे तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एज वेल। एंड आप कोई भी मीन्स मेटालिक लगा सकते हैं, एक आई शेडो भी लगा सकते हैं मेटालिक, लेकिन कम क्वांटिटी में लगाइएगा, क्योंकि वो हल्का सा पाउडरी होता है, तो हो सकता है आपकी आईज़ में चला जाए। एंड क्योंकि ये मेरी लिपस्टिक ख़त्म होने वाली है, तो मैं डायरेक्ट इसे वॉन्ड से ही लगाऊंगी। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का टोटल टेम्पटेशन मस्कारा। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक हील्स, दैट इज़ फ्रॉम लैक्मे एंड लैक्मे की आई थिंक ये 9 to 5 है। यस, सो यस, इसको भी मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगाऊंगी एंड जल्दी जल्दी ब्लेंड करूंगी, ताकि कोई पैच ना बन जाए। सो नेक्स्ट मैं यूज़ करूंगी हाइलाइटर, एक फ्लफी ब्रश की मदद से इस प्रोडक्ट को मैं पिक करूंगी। जब भी आप हाइलाइटर लगाते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है उसको अपने हाथ पे हल्का सा डैब ऑन कर लिया कीजिए, ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाए एंड जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वही आपके फेस पे लगे।
इसको मैं यूज़ करूँगी अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे एंड चीक बोन्स पे। एंड जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, डैब करने के बावजूद भी आपको लगे हल्का सा आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया, आप उसी समय आप उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड आउट कर सकते हैं, या अगर आपका ब्रश है वो फ्लफ़ी है तो उससे भी आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं। बिगिनर्स जब भी हाइलाइटर अप्लाई करते हैं एंड जब वो इनर कॉर्नर ऑफ द आईज पे करते हैं, क्योंकि वो जो एरिया होता है काफ़ी कम होता है, तो आप उसको एक बहुत ही पतले ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि मैंने अपने जो आई शेडोज़ के ऊपर, मीन्स जो क्रीमी आई शेडो था उसके ऊपर मैंने एक आई शेडो की एक मैट कोटिंग अप्लाई नहीं करी है, तो उसी पर मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया ताकि वो स्मच ना हो। लिपस्टिक वाली क्लिप थोड़ी सी छूट गई थी इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने यूज़ किया है मेबलिन की सुपरस्टे लिपस्टिक। So this is in the shade Romantic and this is one of the lipstick that is good for almost all skin tones and ये जितने लोगों के पतले पतले lips होते हैं ना उसको भी एक बहुत ही fuller look देता है। So guys, with this we are done with today's makeup look। आपको कोई भी query हो आप मुझसे पूछ सकते हैं comment section में, आप mail भी कर सकते हैं, I always reply and you can follow me on my Instagram as well। वहाँ पे भी मैं बहुत सारी pictures and stories post करती हूँ। And don't forget to like, share and subscribe, and subscribe करके bell icon press करना है and all का button click करना है ताकि आपको सारी notification मिल सकें।